नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था यार कि वेजिटेबल्स को पैक कैसे करें। तो पैकिंग के लिए यार आप देखो, पॉलिथिन तो पता है आपको बैन है, तो वो पॉलिथिन बैन है जो आप हाथ में लेके जाते हो, उनको फेंक देते हो बिना मतलब की, तो वो कैरी बैग टाइप की होती है, वो पॉलिथिन बैन है। अब देखो बहुत सी ऐसी पॉलिथिन है जो बैन नहीं है, तो पॉलिथिन पैकिंग कैसे करें वो भी पता है आपको, है ना। आप पॉलिथिन बनवा सकते हैं जाके अपने मार्केट में, मार्केट जाइए, वहाँ से बहुत अलग अलग टाइप की पॉलिथिन मिलती है, कागज़ की पॉलिथिन मिलती है, पेपर्स के पेपर बैग मिलते हैं। पेपर बैग रखने के लिए आप वेजिटेबल्स को वहाँ पे रखें पेपर बैग में, वो भी आपका बेहतर ऑप्शन होगा। पैकिंग करने के लिए यार आपका पैकिंग जहाँ से हो रहा है, तो वो जो आपके पेपर बैग है उसमें आपकी कंपनी का लोगो सेट है या नहीं, वो लोगो ज़रूरी है, क्योंकि वो लोगो वहाँ पे लगेगा तो एक अलग इम्प्रेशन पड़ेगा लोगों को, कस्टमर को एक अलग टाइप का फील आएगा, तो आपका वो लोगो बहुत इम्पैक्ट करता है आपके बिजनेस में नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि लोगों के माइंड में वो चीज़ याद रहती है कि हाँ भाई ये कंपनी है, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं। आपने ओला देखा होगा, उबर देखा होगा, ये भले ही कुछ ना करें लेकिन हम मार्केटिंग पे इतना फोकस करते हैं कि मार्केटिंग के थ्रू ये अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं और वहाँ से लीड जनरेट करते हैं। अब देखो ओला और उबर का काम क्या, कई जगह आपने देखा होगा कि इनके एड्स आते हैं फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम हो, अलग अलग जगह पे एड्स आते हैं, तो आपको अगर ऑर्डर गेट करना है तो ऑर्डर गेट करने के लिए आपको मार्केटिंग करनी होगी। मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम हो सकता है, इंस्टाग्राम के यूज़र आज के डेट में बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम का यूज़ करके मार्केटिंग का जो फॉर्मूला है वो अपना सकते हैं। अब यहाँ पे यार इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो वो फेसबुक, यहाँ पे फेसबुक पे भी आप यूज़ करें, फेसबुक में भी आप मार्केटिंग कर सकते हो दमदार मार्केटिंग, क्योंकि वहाँ से आप मार्केटिंग करोगे तो आपको एक अलग रेवेन्यू, एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा और वहाँ से आप ऑर्डर्स गेट कर सकते हो। अपनी वेबसाइट का प्रमोशन कीजिए, ऐप का प्रमोशन कीजिए, क्योंकि आप ऐप बनवा लोगे तो वहाँ से ये नहीं कि आपको ऑर्डर मिलने लगेंगे, तो आपको वेबसाइट ज़रूर बनवाना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग जरूर करनी पड़ेगी, मार्केटिंग कीजिए तब आपको ऑर्डर मिलेंगे। देखो आपको प्राइस अपडेट और उसकी बात करनी है कि कैसे अपडेट करें अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को, मैनेज कैसे करें, तो प्रोडक्ट्स के प्राइस मैनेज करने के लिए आप जाइए, पहले सबसे पहले तो आप मंडी जाइए, पर डे आपको मंडी जाना पड़ेगा, आप देखिए वहाँ पर पता लगाइए कि किस वेजिटेबल का प्राइस आज क्या चल रहा है करेंटली में, तो उस हिसाब से आप अपने वेबसाइट में उस प्राइस को लिस्ट कीजिए। प्राइस लिस्ट करने के लिए आपको एडमिन पैनल और वहाँ से आप एडिट कर पाएंगे उस प्राइस को, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। अब देखो हम एक चीज़ बताते हैं कि आप अगर एडमिन पैनल की जब हम बात करते हैं ना भाई, बहुत से व्यूवर ने बोला कि भाई एडमिन पैनल का एक वीडियो बनाओ कि कैसे ऑर्डर आते हैं, कैसे हम उसको देखते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, बिल कैसे प्रिंट करते हैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं सारी चीज़ बताऊंगा एडमिन पैनल कैसे काम करता है और वेबसाइट कैसे काम करती है, मोबाइल ऐप कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी इसको देखिए, है ना। तो अब देखो ये चीज़ हो गई, मार्केटिंग हो गया, आपको पैकिंग कैसे करना है, पैकिंग के लिए आपको बता दिया है कि आप पेपर बैग्स ले लो वहाँ से, उनमें पॉलिथीन पैकिंग करो जिस तरह आप फोटो में देख रहे हो। इसके अलावा अब देखो एक चीज़ और है, कहते हैं कि भाई डिलीवरी बॉय को कितना सैलरी दें, तो डिलीवरी बॉय को सैलरी कितना दें यार वो आप डिसाइड कर सकते हैं। पहले तो आप हायरिंग शुरू कीजिए, दो तीन ही बंदे रखोगे ना आप ज़्यादा से ज़्यादा, अभी स्टार्टिंग में दो डिलीवरी बॉय रखो, उनको बुलाओ भाई हम आपको इस हिसाब से पैसे देंगे, उनका फिक्स सैलरी कर दो कि आपको 5000 रुपये हम देंगे, 5000 रुपये उनका फिक्स सैलरी हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, 5000 रुपये जब उनकी फिक्स सैलरी हो जाएगी तो अब उनको बोलो कि भाई आप जितने हमारे ऑर्डर डिलीवर करोगे उस हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है, है ना। तो उनको इंसेंटिव बेस में आप दे सकते हैं पैसे, ठीक है, तो उनका भी फायदा होगा। और अपने ऐप में जैसे अभी देखो जोमेटो और स्विगी में क्या होता है, टिप का ऑप्शन आता है, टिप लेते हैं डिलीवरी बॉय के लिए, तो वहाँ से भी आप उसमें भी ऑप्शन भी लगवा सकते हैं कि कोई भी कस्टमर टिप दे सके तो डिलीवरी बॉय को वहीं से ऑनलाइन, तो आप वो टिप का पैसा अलग आएगा। तो इस फॉर्मूला का अपना आप यूज़ कर सकते हैं कि आप डिलीवरी बॉय को इंसेंटिव में पैसे दे सकते हैं और उनसे फिक्स कर दें एक सैलरी को। अब कहेंगे भाई गाड़ी किसकी रहेगी और लाइसेंस किसका रहेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ भी आप कर सकते हो यार, उनसे बुलाओ, बोलो भाई आपके पास गाड़ी है कि नहीं, हायरिंग करते टाइम डिलीवरी बॉय अपनी खुद की गाड़ी यूज करेगा और पेट्रोल आप उसको दो मंथली में या फिर जितने ऑर्डर हों उसके हिसाब से पेट्रोल भी आप दो, तो ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कंपनी है आपकी वही बाइक रहेगी तो डिलीवरी बॉय चलाएगा तो वहाँ पर गड़बड़ हो सकता है, तो इस हिसाब से हायरिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइक है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपकी बाइक से डिलीवरी करने लोग जाएंगे, अपनी बाइक में लोगो वगैरह ज़रूर लगवाएं अपनी कंपनी का, है ना, तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट देगा कस्टमर तक। मार्केटिंग करवाएं रिक्शा में, रिक्शा चलता है सिटी में, रिक्शे में आप पंपलेट्स होर्डिंग्स लगवा के चलवाएं,
उससे भी मार्केटिंग कर सकते हैं। ये तो ओल्ड तरीका है, लेकिन अभी न्यू तरीका क्या है यार, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं लोग, फेसबुक से सोशल मीडिया से पूरी मार्केटिंग करके अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं प्रमोट फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। फेसबुक में जाइए आप, उसमें आप पोस्ट बनाइए, एक पेज बनाइए, पेज बना के उसमें रोज पोस्ट कीजिए और उसको बूस्ट करवाइए। बूस्ट करवा करवा के आप वहाँ से अच्छी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ कीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं, है ना। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन और सवाल है तो कमेंट में पूछें, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुत बहुत सपोर्ट देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।